हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के ऑप्शंस के पैटर्न अगर आपको मिलते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस तरीके के क्वेश्चन में तुक्का कैसे लगाना, और वो भी 100%। 100% का मतलब 100% होता है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे जेईई हो गया, नीट हो गया, तो उस तरीके में के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं? ताकि आपको जो आंसर आ रहा हो तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। उसमें भी आपको अगर आ रहा है 1210/5, तो हो सकता है कि आपको कभी 1210/3 भी हो आ जाए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। आप देख रहे हो दो दो जगह पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है 1210 वाला, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे तुक्का लगाना है वो देखिए। देखिए, सबसे पहले आप मैक्सिमम रिपीटेड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न आपको 1210 की यहाँ पे दिख रही है, तो आप पहले तो इन दोनों को टिक करो। फिर देखो कि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम टाइम क्या आ रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इस 3 को 5 से रिप्लेस इसलिए कर दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये नीचे में डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, इसलिए ये वाला जो होगा आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो, यहाँ चारों में जो 10 की पावर है वो तो चारों में सेम है, तो बस 3 और 5 में आपको कन्फ्यूज कर दिए, तो जो मैक्सिमम टाइम आया है डिनोमिनेटर में वही वाला आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, उसके बाद आप दो क्वेश्चन को पॉज करके करना। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ये जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है, वो जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चन है। और इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसी तरीके के मिलेंगे, इसलिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। देखो, यहाँ पे डायमेंशन पूछी है सोलर कांस्टेंट की, तो आप मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न आपको देखना है। तो यहाँ पे m की पावर 1, m की पावर 1, m की पावर 1, एक ही जगह पे जहाँ पे m की पावर 0 दी हुई है, तो ये तो होगा नहीं, इसको तो क्रॉस ही कर लो। तो या तो ये हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो ये 4 वाला हो सकता है। तो आपको l की पावर अब देखनी है, l की पावर 0, l की पावर 1, l की पावर 0, l की पावर 2, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम दिए हुए हैं, बस कन्फ्यूज़न के लिए दिया हुआ है। एल की पावर 0 होगी क्योंकि ये दो बार दिया हुआ है, तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। तो ठीक है, एल की पावर ये इस वजह से, तो एम की पावर 0 थी इस वजह से, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि ये वाला हो सकता है, एल की पावर 0 वाली, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। टी की पावर -3 सब में है, बस एक में 3 है, तो ये तो पहले से ही नहीं होने वाला था, तो ये टी की पावर -3 वाला आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज करिए। हाँ, तो दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और जो आंसर आया होगा वो कुछ इस प्रकार से आप लोग ले आए होइएगा। आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बार मैक्सिमम रिपीटेड पैटर्न ढूंढा, तो ये 3/16 πε0i है ना, 3/16 πε0, यानी कि आंसर तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। अब हमें देखना है कि q/r वाली कौन सी टर्म सही होगी, तो यहाँ पे है q1/r, q2/r, q1/r, q1/r, यानी कि मैक्सिमम रिपीटेड टर्म q1/r की है, तो यहाँ पे तो q2/r है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आप लोगों ने जो आंसर ढूंढा था वो एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन भी आपको खुद से ट्राई करना है, वीडियो पॉज करिए और ट्राई कीजिए। हाँ, तो दोस्तों, आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और इसका आंसर मैं अब आपको बताता हूँ। जो हमने लॉजिक पहले अप्लाई किया था वही लॉजिक अप्लाई करके आंसर को पता करते हैं। तो मैक्सिमम रिपीटेड टर्म कौन सी है, ए 1 से, ए 3 से अटैच्ड है, 1 2 से, 1 3 से, यानी कि मैक्सिमम रिपीटेड टर्म है ए 3 से। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला आंसर हो सकता है, नहीं तो ये वाला आंसर हो सकता है। फिर देखते हैं बी कि किसके साथ मैक्सिमम टर्म है, तो 2 के साथ दिख रही है हमें, बी 2 से ज़्यादा अटैच है, यानी कि बी 2 से तो जुड़ा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन में बी 2 से जुड़ा हुआ है, तो अब हमें सी पे जाना होगा। सी को देखिए, सी एक बार 4 से जुड़ा, सी 5 से जुड़ा, सी 5 से जुड़ा, यानी कि दो बार सी 5 से जुड़ चुका है, तो हमें डायरेक्ट आंसर पता चल गया, इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। तो इतना सिंपल होता है इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करना, जो जेईई हम लोगों को फंसाने के लिए
या हम लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए वो अप्लाई करती है क्वेश्चंस में, ऑप्शन को देते वक्त। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बल्कि वो लॉजिक है जिसका इस्तेमाल करके जेई जैसे एग्ज़ाम्स में बच्चों को फंसाया जाता है। ठीक है, ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आपके मार्क्स भी गेन हो सकते हैं और रैंक तो बढ़ेगी ही। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए, ऐसे ही लॉजिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी है आयुष सिंह 0108। थैंक यू।